नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण माइती और आप देख रहे टेक्निकल नॉलेज एंड स्टॉक मार्केट चैनल, जिसमें आज हम लोग स्टॉक मार्केट पर डिस्कस करेंगे। और स्टॉक मार्केट पर के साथ जो लोग जुड़ा हुआ है सब लोगों को मालूम है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट का सिलसिला भी बना हुआ है और हर एक दिन कोई ना कोई कंपनी का रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। तो ऐसे ही एक कंपनी का रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 3 फरवरी, तो उसका रिजल्ट अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी वो पेज मैंने ओपन किया, कंपनी का नाम पहले बोलता हूँ। कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम है लक्ष्मी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत बड़ा नाम है, लक्ष्मी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, इसका नाम का अंदर ही छुपा हुआ है। इसका जो सेक्टर से फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी, स्मॉल कैप है। तो 86 रुपीज़ का आसपास इसका अभी ट्रेडिंग चल रहा है, 86.30, ठीक है। तो अभी इसका देखिए जो लास्ट रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट, अभी रिजल्ट आप भी देख सकते हैं। नेट सेल्स देखिए, सेप्टेम्बर 2020 को 2.78 करोड़ का इसका सेल्स था, बट इतना करोड़ का सेल्स था। अभी दिसंबर 2020 को देखिए 5.35 करोड़, मतलब 92.45% का इसका बढ़ोतरी हुआ है नेट सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए 2.39 करोड़, सितंबर 2020 को इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2.39 करोड़ था, और दिसंबर 2020 को देखिए 4.97 करोड़। तो 107.95% का इसका बढ़ोतरी हुआ है, कितना बड़ा जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए, 107% के ऊपर है। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन जो है 1.32 करोड़ प्रॉफिट था सितंबर 2020 को, और 5 करोड़ जो है अभी दिसंबर 2020 को करोड़ है प्रॉफिट है। तो इसमें 278.79%, बहुत बड़ा इसका जो जंप है, बहुत बड़ा अमाउंट इसका प्रॉफिट है, तो आप देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखिए 6.93% का बढ़ोतरी हुआ है। तो हर जितना पैरामीटर हम लोग अभी स्टार्टिंग किया हूँ, बहुत अच्छा इसका बढ़ोतरी हुआ है। स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप ऐसा बहुत कम मिलता है, तो ये करने के लिए आपका इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए इसको अभी आप लोगों का साथ मैंने शेयर किया हूँ। आप लोग इसको स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद अच्छा लगा तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ अमाउंट कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो में इसको जगह दे सकते हैं, बट बहुत कम अमाउंट। ये जो आप अमाउंट आप डालेंगे इसके अंदर आपका पोर्टफोलियो साइज का, तो बहुत कम परसेंटेज आप डाल सकते हैं। लेकिन फाइनल जो डिसीजन आपका, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सलाह कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। मैंने जस्ट एक सलाह दे रहा हूँ, बट आप मेरा सलाह फाइनल डिसीजन नहीं है। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आपका सलाह लीजिए और उसके बाद अपने आपका डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और हम लोग फिर नया वीडियो में नया कुछ कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। और जाने का पहले और एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने आपका आसपास में कोई बंदा हेल्पलेस बंदा आपसे हेल्प मांग रहा है और अपने आपका हिसाब से अपने हेल्प करेंगे और अपने हेल्प करेंगे उसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। और नया कुछ वीडियो में नया अगला कुछ कंटेंट के साथ मिलेंगे, अगला नया कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।